वेलकम फाइनल ईयर प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, आई एम योर एपीसी सब्जेक्ट टीचर गरिमा पाल। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक असाइनमेंट छोटा सा क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। यूट्यूब मैनोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑर्डर सिस्टम। यूट्यूब मैनोमीटर आपके कौन से ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल है? बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर सही भी दिए। आंसर है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एक कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑर्डर भी दिया। अगर आपसे सिंपली मर्करी थर्मोमीटर पूछा गया है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर पूछा गया, ये एग्जांपल है आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। तो ट्यूब से आप कंफ्यूज मत हो जाए, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, वो आपका सिंपली मरकरी ट्यूब, यानी कि मरकरी ट्यूब रहेगा तो यानी कि वो थर्मामीटर का वर्क, वहाँ पे थर्मामीटर रहता है। तो ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ और रैंप इनपुट सिस्टम, रैंप इनपुट ऑफ स्लोप, जिसमें आपका स्लोप भी दे रखा है कैपिटल ए, इज आपका रैंप इनपुट का न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन कराया था उस पर डिपेंड है। फर्स्ट है आपका के अपॉन एस, बी है आपका के अपॉन एस स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारा वन अपॉन एस, एंड डी ऑप्शन है हमारा के अपॉन एस क्यूब। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आंसर इज के अपॉन एस स्क्वायर। आपको अगर ध्यान हो तो इस तरीके का आपका ग्राफ बना था स्लोप का, ओके आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंटिन्यूसली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के सापेक्ष इक्वली ग्राफ आपका बढ़ रहा था। एट क्वेश्चन है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइनोसोडियल इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज, मैग्नीट्यूड ए का, मैग्नीट्यूड ए आपको गिवन है, उसमें साइनोसोडियल इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन ए ओमेगा एस स्क्वायर प्लस सी टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर, डी नन ऑफ दीज। तो साइनोसोडियल इनपुट का आपका होता है डब्ल्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका ए गिवन है तो आपका हो गया ए डब्ल्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से जितने भी आपके एग्जांपल हैं या फिर जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं उनके हेडिंग एंड फाइनल आंसर आपके जो भी हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं, इसी में से जनरली एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपका कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, एट के बाद नाइन्थ। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इज यूज टू अकाउंट फॉर विच चेंजेस।
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लोड एंड सेकंड ऑप्शन इज सेट पॉइंट, थर्ड ऑप्शन इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी। जो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है ये हमारा किसको चेंज करने में काम आता है? जो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है वो आपका लोड को चेंज करने में यूज़ होता है, और सेट पॉइंट को कोई कौन करता है? आपका फीड बैकवर्ड कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ से आपके दो एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोलर फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो रेट्स इन इंडस्ट्रीज इज अ, फर्स्ट ऑप्शन इज पी कंट्रोलर, सेकेंड ऑप्शन पी आई कंट्रोलर, थर्ड ऑप्शन पी डी कंट्रोलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज पी आई डी कंट्रोलर। मोस्ट कॉमनली यूज कंट्रोलर फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो रेट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कंट्रोलर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? पी कंट्रोलर या पी आई कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर या पी आई डी कंट्रोलर? तो आपके मोस्ट सिंपली इंडस्ट्रीज आपके पी आई कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोलर फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इज अ विच कंट्रोलर? टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से कंट्रोलर का यूज़ करते हैं? फर्स्ट आपका पी कंट्रोलर, बी पी आई कंट्रोलर, सी पी डी कंट्रोलर एंड डी इज पी आई डी कंट्रोलर। ऑप्शन है आपका डी इज राइट, पी आई डी कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये नहीं शॉर्ट फॉर्म याद किया और उसके प्रॉपर्टीज याद कर ली, प्रोसेस क्या है वो याद कर लिया और आपने इक्वेशंस याद कर ली, नहीं फुल फॉर्म भी याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 100 सेंटीमीटर में मरकरी थर्मामीटर आपके टेम्परेचर को मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा -32, थ्री 50 डिग्री सी एंड सेकेंड इज -100 to 450 डिग्री सी एंड थर्ड इज 100 to 400 एंड डी इज 0 to 550। तो ये आपका
असाइनमेंट है जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मरकरी ग्लास थर्मामीटर आपके कौन से रेंज के टेम्परेचर को मेजर करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।